नागपुर के कालिम भैया का नाम पिछले कुछ दिनों से तो आपने बहुत सुना होगा, उनके खौफ का कहर भी देखा होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे यूपी के असल कालिम भैया के बारे में, मतलब राजा भैया के बारे में। कुंडा के राजा भैया का आतंक अगर मिर्जापुर वाले कालिम भैया जानेंगे ना, तो भैया वो भी खौफ में आ जाएंगे। लेकिन राजा भैया यूपी के एक ऐसे विधायक हैं जिनके दामन पर कई अपराध के छींटे पड़े, लेकिन उनकी व्हाइट कॉलर वाली छवि को आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। इनका पूरा नाम है रघुराज प्रताप सिंह, जिनका कुंडा में सो कॉल्ड गुंडा राज चलता है। अरे भैया, राजा भैया का कोई जोर नहीं है, तो करीब हम तो प्रत्याशी मात्र है, जो रिकॉर्ड बनता है, जो वोट मिलता है, वो सब आप लोग के देन है। राजा भैया के ऊपर कई संगीन आरोप हैं। सबसे पहला आरोप उनके ऊपर प्रतापगढ़ के कुंडा में डिप्टी एसपी जिला उलहक की हत्या के सिलसिले में लगा था, जिसके बाद उन्हें अखिलेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी देना पड़ा था। हालांकि सीबीआई जांच के दौरान राजा भैया को कथित क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन इस घटना से राजा भैया का पूरे शहर में खौफ पैदा हो गया था। राजा भैया के ऊपर जो दूसरा आरोप है उसको सुन तो मानो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि राजा भैया की बेती कोठी के पीछे 600 एकड़ का तालाब है। इस तालाब से राजा भैया को लेकर कई रहस्य जुड़े हैं। खबरों के मुताबिक या कई स्थानीय मीडिया ने इस बात की रिपोर्ट की है कि 600 एकड़ वाले तालाब में राजा भैया ने कई मगरमच्छ को पाल रखा है। इसके पीछे की कहानी है कि इस तालाब में राजा भैया अपने दुश्मनों को मारकर फेंक देते हैं, यानी कि अगर किसी ने उनसे दुश्मनी ली तो भैया इस तालाब में आपको वो कटवा कर फेंक देंगे, जो जाकर मगरमच्छ का खाना बन जाएंगे। तालाब वाली बात को लेकर 2003 में मायावती सरकार ने भद्री में उनके पिता के महल और उनकी कोठी पर छापा भी मरवाया था। राजा भैया के ऊपर जो तीसरा आरोप है वो भी उनके कोठी बेती के तालाब की खुदाई से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि बेती के तालाब की खुदाई में यहाँ एक नर कंकाल मिला था। कहा जाता है कि वो कंकाल कुंडा के ही नरीसगढ़ गांव के संतोष मिश्र का था। संतोष की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसका स्कूटर राजा भैया के जीप से टकरा गया था और कथित तौर पर उनके लोग उसे उठाकर ले गए और उस संतोष मिश्र को इतना मारा कि वो मर गया। बाद में उसके शव को बेती के तालाब के पास दफना दिया गया। इस घटना के बाद लोग राजा भैया को देखकर उनका रास्ता तक छोड़ दिया करते थे। लोगों को कुछ नहीं पता चला, वो भैया आ रहे थे, वहाँ काम पे गए थे और वहाँ चौराहे पर गोली मार दिया। ये तो थी राजा भैया के दबंगई की खौफ की कहानी, लेकिन आइए जाते जाते नजर डालते हैं उनकी राजनीतिक सफर पर। राजा भैया यूपी के पूर्व भद्री रियासत के राजकुमार हैं। राजाओं की तरह आज भी अपना दरबार लगाते हैं और उनकी कलम से निकला हुआ हर फैसला लोग दिल खोल कर मान लेते हैं। राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को प्रतापगढ़ के भद्री रियासत में हुआ। 1993 में हुए विधानसभा चुनाव से उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, तब से लेकर आज तक वो लगातार विधायक बन रहे हैं। राजनीति की शुरुआत करते वक्त राजा भैया सिर्फ 26 साल के थे। मंदिर आंदोलन के दौर में मुलायम सिंह की सरकार ने राजा भैया का विरोध भी किया था और उन पर दंगों में भूमिका निभाने का आरोप भी लगा। 1993 से 1996 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया बीजेपी की ओर से जीते। 2002 और 2007 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी समर्थित निर्दलीय विधायक उम्मीदवार के रूप में राजा भैया विधायक चुने गए। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें लोकमत.in के साथ।